कोशिश की मैंने, नहीं स्टार्ट होगी। अदनान भाई, आपने मुझे बताया नहीं कि कल से आप यहाँ पर हैं और रात गाड़ी में गुजारी। नहीं, गाड़ी में नहीं गुजारी है रात, यहाँ यहाँ नीचे एक गांव है, वहां पे गुजारी है। नीचे गांव है? किधर है गांव? गाड़ी तो स्टार्ट है। अरे जमान भाई, गाड़ी तो बिल्कुल स्टार्ट है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। हाँ नवाज भाई, मैं भी हैरान हूँ और ये भाई भी हैरान है। ये बोलता है कल से बहुत कोशिश की है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लगता है मैकेनिक की शक्ल देख कर स्टार्ट हो गई है। अच्छा जमान भाई, आप चलेंगे या कि मैं जाऊं फिर? नहीं, एक मिनट नवाज लाला, ये पैसे। एक मिनट। नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग मेहमान है। वैसे ये भी रख लो ना, इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जमान, आप तो हमारे साथ चलोगे ना? जी जी, लेकिन अदनान भाई मुझे पहले ये तो बताओ, ये कौन से गांव की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई गांव नहीं है। मैंने बताया ना तुम्हें, यहाँ जंगल से रास्ता जाता है, इधर ही नीचे ही है गांव। अरे अदनान भाई, यहाँ कोई गांव नहीं है, यहाँ जंगल है या गांव होगा, दोनों कैसे हो सकते हैं? यार मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हमने रात गुजारी है वहां पे। अदनान भाई, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, हमारा खानदान तो यहाँ आबाद है। खानदान गांव में रहते हैं, जंगल में कुछ और, यहाँ कोई गांव नहीं है। क्या मतलब कुछ और? आपको कब से अदनान भी कह रहे हैं, मैंने खुद देखे, नीचे चार पांच घर बने हुए हैं दरिया के साथ। अरे बाजी, जब बारिश होती है तो दरिया का पार्ट बड़ा हो जाता है, और जब पार्ट बड़ा होता है तो ये पूरा इलाका डूब जाता है, और यहाँ पे कोई गांव हो ही नहीं सकता। यार क्यों फजूल में बहस कर रहे हैं? बुरकान रहता है नीचे, गुल लाला रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे मिले हैं। अरे अदनान भाई, आपको कोई गलत फहमी हुआ है, यहाँ कोई गाँव नहीं है। अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है, हम अदनान बहस करते वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, बस छोड़ें, चलते हैं हम। आ जाए क्या हुआ अदनान? निकले में लॉकेट था। कौन सा लॉकेट? आंटी ने दिया था, वो शायद शायद मैं बुरकान के घर ही भूल आई हूँ, वहां उतार के रखा था। अदनान उसके लिए तो जाना पड़ेगा ना, आंटी बहुत नाराज हो जाएंगी ऐसे। ठीक है ठीक है, चलो हम चलें। आइए जनाब, आपकी गलतफहमी भी दूर। मुझे भी दिखाओ कौन सा गांव है। आइए, लगता है कि हम शायद रास्ता भूल गए। ये वो रास्ता नहीं है, गलत रास्ते से आ गए हैं। यही रास्ता था। कहाँ है अदनान भाई आपका वो गांव? यहाँ तो मुझे कोई गांव नजर नहीं आ रहा। समान में गांव यही था, मुझे लगता है आगे होगा, ये रास्ता नहीं है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे बाजी, आगे कहाँ होगा, आगे का पूरा इलाका में जान। अरे नहीं, ये समान अच्छी बात है, लोग भी गायब हो गए और गांव भी गायब हो गया। कौन लोग, जरा आप मुझे फिर से बताएं। वो गांव वाले, सुबह जब हम सोकर उठे थे तो गांव खाली हो गया था, कोई नहीं था यहाँ पे। ओ मेरे खुदाया, अदनान भाई ये जंगल में जिन्नों का बसेरा है। और इस सुनसान जंगल में जिन रहते हैं, आपको इस तरह किसी के साथ रात नहीं गुजारनी चाहिए थी। जमान भाई, हमने ऐसे किसी के साथ रात नहीं गुजारी, इधर गांव था, और क्या जन्नत मनात कैसे क्या हो सकते हैं? अल्लाह का नाम ले बाजी, कुरान पाक में जिन का जिक्र है। मैं मानती हूँ, लेकिन जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं ना, ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ पे गांव था, ऐसे एकदम से गायब हो जाना, ये सिर्फ वहम हो सकता है, और जनाब दुनिया में नहीं रहते।
इस दुनिया में रहते हैं, इंसानों के दरमियान नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, सुनसान जगहों पर रहते हैं। और ये जंगल है, यहाँ कोई नहीं आता। चलो अभी यार, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। प्लीज लेट्स गो। चलो क्या हुआ तुम्हें? पेट में दर्द शुरू हो गई है। क्या खाया था तुमने? जो आपने खाया था इतना। चल सकती हो? यहाँ से तो चल ही सकती हूँ।